हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl विद ग्रेन्युलर जिंक. Following reaction take place. Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2. Calculate the volume of hydrogen gas liberated at STP when 32.65 gram of zinc react with HCl. 1 mole of gas occupies 22.7 liter volume of STP. Atomic mass of zinc 65.3. अब कुछ चीजें दिया हुआ है. जिंक का एटॉमिक मास दिया हुआ है, Zn का एटॉमिक मास दिया हुआ है 65.3, ठीक है. और ये भी दिया हुआ है कि 1 मोल गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर वॉल्यूम, ठीक है. अब देखो यहाँ पर रिएक्शन जब हो रहा है, इस रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है, Zn जब रिएक्ट कर रहा है 2HCl से, तो ये रिएक्शन करके ZnCl2 बना रहा है प्लस H2 गैस दे रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे जिंक का वॉल्यूम कितना है, अगर जिंक का अगर देखें तो 65.3 ग्राम जिंक क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2 गैस, जिसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम ऑफ है 22.7 लीटर, क्योंकि बोल दिया है कि 1 मोल गैस कितना जगह छिपता है, 22.7 लीटर वॉल्यूम छिपता है एसटीपी पर. तो 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकला है तो वो भी कितना जगह छीकेगा, 22.7 लीटर गैस छीकेगा. अब यहाँ पर ये अगर ये 65.3 लीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम जिंक कितना, 1 ग्राम जिंक कितना जगह छीकेगा, ये 22.7/65.3 हो जाएगा लीटर जगह छीकेगा, ठीक है. अब यहाँ पर कितना जिंक लिया गया है, बोला गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक, तो 32.65 ग्राम जिंक प्रोड्यूस कितना 22.7/65.3 इंटू 32.65. तो इस सभी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये सभी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 11.35 लीटर ऑफ H2. वहां पर कितना गैस निकलेगा, वहां 11.35 लीटर हाइड्रोजन गैस सेपरेट होंगे. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल, थैंक यू.